देश विदेश के जाने माने रंगकर्मी, टीवी कलाकार, सीरियल कलाकार, छोटे और बड़े पर्दों पर लगातार देखे जाने वाले और लोगों के चर्चित चेहरे राजीव वर्मा जी का दमोह नगर आगमन हुआ। दमोह में राष्ट्रीय नाट्य समारोह के दौरान अपनी नाटक का मंचन करने के लिए वो दमोह पहुंचे और उनका आत्मीय स्वागत दमोह के नील कमल फर्नीचर हाउस या ओकाया बैटरी सेंटर पर किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय नाट्य युवा मंच के राजीव याची जी सहित उनकी टीम के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान राजीव वर्मा जी ने अपने विभिन्न अनछुए पहलुओं से लोगों को अवगत कराया, पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और अपनी बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज। आइए आप लोग सभी लोग आ जाए दादा के। लालू अपने आप ऊंचा महसूस करेंगे श्री राजीव व्यासी जी का। हम लोग दादा का भी लालो संजय पत्रकार हम सबके बीच में है और आपके साथ एक लंबा सानिध्य जो पूर्व में भी रहा है। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सभी की दिली ख्वाहिश थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए। मैं व्यक्तिगत परिचय के लिए तो वैभव से बोलूँगा तो समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपका दमोह के पत्रकार जगत की ओर से और समस्त कल मैं अपनी संस्था की ओर से नहीं समस्त कलाकारों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करूँगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक जवान लड़का और जवान लड़की, उनकी मोहब्बत या उनके रिलेशंस पे जो फिल्में बनती हैं आज भी बनती हैं और पहले भी बनती थी। अब उस रिलेशंस में कितने तरह की अड़चनें आती हैं, कितनी तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, इस पर चेंजेस होते गए। जैसे पहले अगर हम देखते थे तो वो जो स्त्री के अधिकार होते थे उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता था क्योंकि था भी थी भी नहीं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे स्त्रियां जो हैं वो उनके अधिकार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, वो नौकरी करने लगी हैं, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, उसका ज़्यादा उसमें असर होता है और वो हमारे लिए हमारे देश के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि अब जो है लड़कियाँ उतनी, आप किसी भी छोटे शहर तक में जाएंगे तो लड़कियाँ आपको पढ़ी लिखी मिलेंगी। माँ बाप खुद चाहते हैं कि लड़की पढ़े लिखे उसके बाद शादी होती है उसकी, लेकिन पहले ये नहीं होता था। पहले उन्होंने लड़का देखा अमीर या जो भी है, अगर उसमें विवाद है किसी तरीके से, लड़का गरीब है या लड़की के पास नौकरी नहीं है, तो एक अलग कहानी होती थी। लेकिन अब जो है, अब वो चीज़ें हट गई हैं धीरे धीरे। सर, क्या आप मानते हैं कि राजनीति की तरह बॉलीवुड में भी परिवारवाद हावी हो रहा है? परिवारवाद कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। आप यहाँ आप भी चाहोगे आपका बेटा जर्नलिज्म में बने? नहीं बनेगा, नहीं, जर्नलिस्ट नहीं चाहते। नहीं, परिवारवाद तो हर जगह होता है भैया, क्यों नहीं? अपने बच्चे, हमारे खानदान पुराने ज़माने से चला रहा है, जो अपना साहूकार होगा उसका बेटा साहूकार ही बनता है, जो कृषक होता है उसका बेटा कृषक ही बनता था ना। अब चेंज हो गया धीरे धीरे, लेकिन पहले तो यही था ना, वही परंपरा वहाँ चली आ रही, क्योंकि वो बिजनेस है। आप अगर फिल्म को अगर कहें कि वो सिर्फ कला है तो नहीं, वो बिजनेस है। अगर मान लीजिए वो उनका बेटा एक्टिंग नहीं करता है तो बिजनेस करता है, बिजनेस कौन सा करेगा? जो उसके परिवार में चलता है, वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, वो स्टूडियो खोल लेगा, वो एक्टिंग का स्कूल चलाएगा, कई तरह के बिजनेस होते हैं। सर, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कट्टरता को आप कितना मानते हैं कि होना चाहिए कि नहीं होना, बढ़ावा हो रहा है? शिक्षण संस्थानों में कहाँ धार्मिक कट्टरता है? फिलहाल सर, बुर्का और हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है, कलाकार के तौर पे आप क्या मानेंगे? पता नहीं, मैं एक कलाकार की दृष्टि से सर, आपका कलाकार की दृष्टि से इसमें क्या दृष्टि होगी यार, ये तो पता नहीं शासन जो अपना निर्णय लेगा, जो आपके न्यायालय निर्णय लेगा या जो धार्मिक जो गुरु हैं वो निर्णय लेंगे, उनका
निर्णय सक्षम होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे। लेकिन हम तो ये यही चाहेंगे कि हर प्रकार की स्वतंत्रता हो, जैसे हमारे यहाँ जिस धर्म में जिस प्रकार की स्वतंत्रता होती है वो रहे, लेकिन कॉलेज स्कूल में मेरे ख्याल में सबको एक सा रहना चाहिए। और ये जो चीज़ें हैं ये अपना, ये आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें हैं, वो आप अपने कम्युनिटी में अपने घर पर बनाएं। जो भी मान लीजिए पगड़ी पहनना है या जनेऊ पहनना है, या जनेऊ दिखाने की आवश्यकता क्या है ना, तो अंदर ही पहने हैं आप, आपका धर्म क्या है वो अंदर है, लेकिन कॉलेज में तो सब बराबर है ना। वो प्रैक्टिस करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी, कॉलेज में कितने साल रहते हैं, तीन चार साल में अगर ये करेंगे तो आपका क्या धर्म ऊपर चला जाएगा। इसलिए सबको कॉलेज में एक सा ही रहना चाहिए स्कूल में, ताकि एक दूसरे पर, इसीलिए तो यूनिफॉर्म होता है हमारा, है ना। ये मेरा मानना है पर्सनल, बाकी जो निर्णय लेंगे वो तो अलग एक चीज़।